रणवीर सिंह भी मतलब क्या कि मतलब इतने खूबसूरत इंसान है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। बाबा मचा रहा है विस्फोट, बर्लिन से उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो भेलपूरी बनाई और ऊपर से जो उन्होंने चटनियाँ डाली हैं काफ़ी स्वादिष्ट हो गई थी। खिलजी के सामने शेर कैसे कोई आदमी बनेगा। शेर की जुबानी सुनी शहर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे, लड़कियाँ नगाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे याद तो मैं जगा दे क्योंकि फ़र्क है। हाय दिस इज सिद्धांत चतुर्वेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल। आप इनसाइडर्स में एज में आप देखे हैं, इट्स अ वेब सीरीज, लिमिटेड ऑडियंस सीन इट, ऑब्वियसली मूवीज आर मच बिगर। कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि एक एक्टर जैसे रणवीर हैं कि वो आपको कंफर्ट आपको प्रोवाइड करें, टू जस्ट मेक यू फील एट ईज, हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट फॉर यू? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि मीडियम अलग है, तो ऑफकोर्स ये मेरी पहली फिल्म होती है, बड़े पर्दे पर आएगी और पहली बार मैं लोगों के सामने आऊँगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि यू नो, और रणवीर सिंह भी मतलब क्या कि मतलब इतने खूबसूरत इंसान है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। पहली बार ही जब उन्होंने मिला, मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे ज़ोर से मतलब गले लगा लिया, और मेरे शेर, सो उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी मतलब यू नो, इट मेक्स यू फील मोटिवेटेड एंड यू डोंट फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ यू नो, इट्स योर फर्स्ट फिल्म बिकॉज ही मेड यू फील होम एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिम। You know, you don't break ice with Ranveer Singh, he breaks it for you. You know, that's the thing. He's made me very comfortable and still like even in throughout like abhi screenings ke dauran bhi mujhe message karte rahe, are har bar har screening mein unhone film dekhi aur har bar unhone mujhe message kiya, baba macha raha hai visport, Berlin se unhone mujhe message kiya, to kafi acha lagta hai ki jiska main khud fan tha college mein, jinke gaanon pe main nacha karta tha, jinka you know, पद्मावत मैंने एक दिन पहले देखी थी वर्कशॉप जो हुआ था गली बॉय का, और मैं तो ऐसे हो गया था यार, अब खिलजी है, खिलजी को मुझे मतलब खिलजी के सामने शेर कैसे कोई आदमी बनेगा। तो बट उन्होंने वो बहुत वेलकमिंग है, उन्होंने पूरा मुझे मेरा एरिया दिया कि आप तुम्हें जो करना है करो, जैसा करना है करो, तो वो बहुत बड़ी बात है उनमें, इसीलिए वो आई थिंक अभी जहाँ हैं बहुत बड़े हैं, और वो ही इज़ अ लेजेंड इन द मेकिंग। इंट्रो सीन के बारे में अगर आपकी बात करें, बिकॉज दैट्स अ हीरोइक सीन, कैसा आपका एक्सपीरियंस था एंड व्हाट्स योर प्रिपरेशन फॉर दैट? प्रिपरेशन तो जो गाना था, जो सिचुएशन ऐसी थी, और आई डोंट थिंक इस यू नो जो टाइमिंग है अभी फिलहाल जो हो रहा है देश में पिछले एक साल से, उस सिचुएशन पे वो चीज़ काफ़ी सही बैठती है कि भाग 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 आया शेर, आया शेर, इट्स मोर लाइक कि जिस बैक ऑफ जो भी आज जो हो रहा है मी टू मूवमेंट, तो आई थिंक ये ज़रूरत थी, और जब वो गाना जब सिचुएशन मुझे पता चली तो मैं काफ़ी मेरे अंदर से काफ़ी मतलब मैं खुश था कि यार मैं ऐसा कुछ इस चीज़ का कुछ एक पार्ट हूँ, ऐसी आवाज़ उठा रहा हूँ कुछ, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी, बिकॉज शेर इज़ अ फेमिनिस्ट एंड सो एम आई, सो दैट वाज आई थिंक दैट्स हाउ दैट्स यू ओनली प्लेस वेर आई रियली रिलेट टू शेर, यू नो द फेमिनिज्म पार्ट ऑफ इट, कि यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू स्टॉप। लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है, और बहुत ज़रूरत थी ऐसा कुछ बनने की, और जो रैप के लिरिक्स भी हैं टी वाला मरा सुनाना चाहेंगे? शेर की जुबानी सुनी शहर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे, लड़कियाँ नगाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे याद तो मैं जगा दे क्योंकि फ़र्क है, तुझे छेड़ने की तलब है तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक है वानिय की शक्ल, जितनी तुझमें गर्मी उससे ज़्यादा गर्म मेरा कलम, क्यों इतना बेशरम क्या काम का हो आज, जिसमें तेरा कल नहीं क्या काम का हो काम, जिसमें तू सफल नहीं बल नहीं, दिमाग की ज़रूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत, भाग 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 आया शेर, आया शेर, so it's all it's to all thank you so wonderful, much thank you so wonderful. much, it's to those people who do not you know value it because I think this is time for India to actually wake up and have a stand for something like that. It's a very interesting project ji, and I'll tell you why I feel it, because since we know Zoya and Reema closely, so I think they write in English, they think in English in many ways. I feel someone like Vijay Maurya had a very big role to play as well, because he has written the dialogues yes. And he had to understand that milieu ji, and he understands that milieu very well as well. So that confluence, वो confluence कैसा था Zoya, Reema and Vijay Maurya? तो जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी वो इंग्लिश में थी, बट जो इमोशंस थे वो इमोशंस तो सेम ही रहते हैं जो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो बैंक मतलब वो मुझे फील हो रहे थे जब मैंने पहली बार भी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और जब विजय मौर्या ने तो आके उसे मतलब जो फ्लेवर दिया है पूरा, जो बम्बईया जो बम्बई की जो गलियों में ले गए हैं हमको फिल्म के दौरान, जो लाइन्स हैं, जो लिंगो है, वो मतलब वो पढ़ते ही वो अंदर से वो चीज़ें आ जाती हैं,
आप वो फील करने लगते हैं, वो वहाँ वहीं वही स्लम्स में पहुँच जाते हैं आप, वहाँ पे आप देखने लगते हैं कुछ लोगों को, तो वो पूरी जो वाइब है, तो बेसिकली समझिए ऐसा है जैसे भेलपूरी बनाई और ऊपर से जो उन्होंने चटनियाँ डाली हैं उससे वो काफ़ी स्वादिष्ट हो गई थी। आई थिंक दैट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा आप धारवी के बारे में बात कर रहे हैं जी जी, और अगर वो आपने ऑथेंटिक आपने फ्लेवर नहीं रखा, वो ऑथेंटिक था, महकारी है, बिल्कुल महकारी है, बहुत उसकी वो आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी थी वो, और वो ऐसी खुशबू है जो लोगों को मतलब और रिझाती रहेगी और आती रहेगी, लेके आती रहेगी थिएटर तक, क्योंकि ऐसा कुछ सब कल्चर है जो दिखाया गया है इसमें, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है बॉम्बे के बाहर, मुंबई के बाहर, तो कुछ नया देखने को मिला, और जिस नज़रिए से दिखाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाय, दिस इज सिद्धांत चतुर्वेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल।